नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हाल फिलहाल में इंडिया में एडवेंचर टूरिंग का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, चाहे फिर वो यूट्यूबिंग के लिए की जाने वाली प्रोफेशनल ब्लॉगिंग हो या फिर शौकिया तौर पर, हर इंडियन अब एडवेंचर टूरिंग करना चाहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बाइक्स की जिनका लॉन्च होने के बाद प्राइस 2 से लेकर 2.5 लाख के बीच में हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों, वीडियो के नीचे बने लाल कलर के बटन को दबाएं, साथ ही बने हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बाइक इस लिस्ट में है बेनेली की TRK 251। दोस्तों, बेनेली ने पहले ही TRK 502 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया हुआ है और अभी इसके BA6 वर्जन को भी जल्दी ही भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है। इसी के स्मॉलर वर्जन TRK 251 को बेनेली जल्दी बाजार के अंदर लॉन्च करेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की स्टाइलिंग के बारे में। इसकी स्टाइलिंग दोस्तों हूबहू इसके बड़े ब्रदर बेनेली 502 TRK की तरह ही है और इसमें भी हमें सेम बल्क बिग टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा, लेकिन स्मॉलर डायमेंशन के साथ। फ्रंट में हमें लार्ज विंडशील्ड के साथ में मस्कुलर साइड पैनल्स भी देखने को मिलेंगे जो एक्सटेंड होकर फ्यूल टैंक तक जाते हैं। इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स को यूज किया गया है और इसके साथ साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को दिया गया है। इंजन की बात करें तो इसमें लिक्विड कूल 249 cc का इंजन दिया गया है जो कि 26.8 BHP की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 10,500 RPM पर। सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में इसमें इन्वर्टेड फोक्स और रियर के अंदर मोनोसोक सस्पेंशन दिया गया है। प्राइसिंग की बात करें तो इस बाइक को 2 लाख से लेकर 2 लाख 20 हजार के प्राइस ब्रैकेट में रखा जा सकता है और इस बाइक को हम दिसंबर 2020 के अंदर भारतीय सड़कों पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली बाइक की तरफ। अगली बाइक है KTM की एडवेंचर 250। KTM ने हाल फिलहाल में अपनी एडवेंचर 390 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और इस बाइक को इंडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। अब KTM इसी के स्मॉलर वर्जन KTM एडवेंचर 250 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। वैसे इंटरनेशनली इस बाइक को नवंबर 2019 के अंदर ही अनवील कर दिया गया था। डिजाइन के मामले में ये बाइक KTM एडवेंचर 390 से काफी सिमिलर है और काफी सारे कॉम्पोनेंट इसके KTM 390 एडवेंचर से ही बोरो किए गए हैं, जैसे कि टेल सेक्शन कंपोनेंट, बैली पैन का कंपोनेंट, रेडिएटर श्राउड का कंपोनेंट। लेकिन कुछ एक मामलों में ये अपने बड़े ब्रदर KTM 390 एडवेंचर से काफी डिफरेंट है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में हमें 43mm का WP एपेक्स का फॉक देखने को मिलेगा, वहीं रियर में WP एपेक्स का मोनोशॉक देखने को मिलेगा। इस बाइक में भी हमें सेम स्विचेबल ABS का मोड देखने को मिलेगा जो कि एडवेंचर 390 में देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके इंजन की तरफ। तो इसमें 248 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा जो कि 30 BHP की पावर जनरेट करता है 24 Nm टॉर्क के साथ। प्राइसिंग की बात करें तो KTM इस बाइक को 2 से लेकर 2.5 लाख के प्राइस ब्रैकेट के बीच में लॉन्च कर सकता है और इस बाइक को हम नवंबर 2020 के अंदर भारतीय सड़कों पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली बाइक की तरफ जो कि है सुजुकी की V-Strom 250। ये बाइक अपनी डिजाइन लैंग्वेज अपने बड़े सिबलिंग V-Strom 650 के साथ शेयर करती है और अपने इंजन और अदर कंपोनेंट्स सुजुकी की इनाजुमा 250 के साथ शेयर करती है। फ्रंट में इसमें लार्ज विंडशील्ड देखने को मिलती है और टैंक के ऊपर फुल फेयरिंग और लोअर इंजन गार्ड इस बाइक को मस्कुलर लुक प्रदान करते हैं। इस बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में इसमें टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोसोक सस्पेंशन दिया गया है। बात करें अगर इसके इंजन की तो इसमें 248 cc का लिक्विड कूल्ड ट्विन सिलेंडर इंजन दिया गया है जो कि 25 PS की पावर जनरेट करता है 23.4 Nm टॉर्क के साथ में। प्राइसिंग की बात करें तो इनिशियली इस बाइक का प्राइस हमें 3 लाख के आसपास देखने को मिल सकता है, लेकिन सुजुकी लोकलाइजेशन के बाद इस बाइक के प्राइस को 2 लाख के आसपास ला सकती है। लॉन्च की बात करें तो इस बाइक को हम फर्स्ट क्वार्टर 2021 के अंदर भारतीय सड़कों पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली बाइक की तरफ जो कि है होंडा की CBF 190X। इस बाइक को 2016 में चाइनीज इंटरनेशनल मोटरसाइकिल ट्रेड एग्जीबिशन में लॉन्च किया गया था और हाल फिलहाल चाइना में इसके 2020 वर्जन को भी लॉन्च कर दिया गया है।
डिज़ाइन की बात करें तो इस बाइक में स्टाइलिश वी शेप्ड एलईडी हेडलैम्प्स के साथ साथ लार्ज विंडस्क्रीन और मेटल बैश प्लेट भी देखने को मिलते हैं। इस बाइक में फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक्स और रियर में मोनोसोक सस्पेंशन दिया गया है। इसके साथ साथ इस बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद गियर पोजिशन इंडिकेटर भी दिया गया है। इंजन की बात करें तो इसके अंदर 184.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया गया है, जो कि 16.8 पीएस की पावर जनरेट करता है 16.3 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। प्राइसिंग की बात करें तो चाइनीज मार्केट में इसको 1,76,000 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है, और इसी प्राइसिंग के आसपास हम इंडिया मार्केट में भी इस बाइक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्च की बात की जाए तो होंडा ने हाल फिलहाल अपनी बाइक CBF 190R का पेटेंट इंडिया में फाइल किया हुआ है, और जल्द ही हम इस बाइक को होंडा की 190 सीरीज के साथ में इंडियन मार्केट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सबका दिन शुभ हो।